नरवाना की आवाज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ। तीन कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद डाकल गांव को किया सील। पुलिस ने गांव में 6 नाके लगाए। ग्रामीणों में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर बड़ी चिंता। सीसर सुदगण खुर्द सुदगण कला को जाने वाले रास्तों पर लगाए पुलिस प्रशासन ने नाके। सिंगवाल गांव में एक युवक की जोड़ में डूबने से मौत। आपको बता दें कि सिंगवाल गाँव वासी अमन पुत्र चंद्रवान इंसा की शनिवार को जोड़ में डूबने से मौत हो गई। सब्जी मंडी के आढ़तियों ने मार्केट फीस लगाने पर जताया रोष। नरवाना की सब्जी मंडी के आढ़तियों ने सब्जी और फलों पर हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लगाई मार्केट फीस वापस करने की मांग को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम मार्केट कमेटी के सचिव जोगिंदर सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। हरियाणा महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी विद्यारानी दड़ौदा ने नरवाना क्षेत्र के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की रखी मांग। कहा, नरवाना और जिन से काफ़ी संख्या में लोग ट्रेनों में करते हैं सफ़र। शास्त्री नगर डूंगी बस्ती कॉलोनी के लोगों ने जननायक सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव बिट्टू नैन, सिटी SHO मनीष कुमार, बहुटा चौकी इंचार्ज पवन कुमार का पगड़ी पहनाकर बढ़ाया मान। लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी में पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने SC वर्ग को कैटेगरी ए व बी में बांटना बताया सराहनीय कदम। संजय कालवा ने कहा कि यह दलित कौम को जोड़ने की एक मजबूत कड़ी साबित होगा और हरियाणा की मौजूद सरकार पर दलित जातियों का विश्वास और भी बढ़ेगा।